करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है। और बाद में तो सबको भेजते हैं लिंक, इसलिए हर्षद भाई का भी खूब खूब आभार, माँ महालक्ष्मी हर्षद भाई के ऊपर भी खूब कृपा करे और उनका फेसबुक खूब भरे, खूब लाइक्स आए, खूब कमेंट आए और बढ़ता जाए, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना। हर्षद भाई बहुत प्रेमी व्यक्ति है, हमारे मंदिर की सहायता में आप बहुत सेवा करते हैं और हमारे परिवार जैसे है, तो उन्होंने भी ये सहायता की। साथ साथ में मेन कार्य तो भोजन का था, पंडित जी तो बोल देते थे हो जाता था, परंतु भोजन बनाना भी इतना सरल नहीं था। तो भोजन का एक पूरा ग्रुप था जिन्होंने बहुत सुंदर रोज रोज भोजन बनाया, बहुत मेहनत की, सरल नहीं है साहब, तो उनका भी खूब खूब आभार। नाम बेल बोलना तो वो मना करते हैं, परंतु फिर भी हमारे पूर्णिमा बहन, ज्योत्सना बहन, भरत भाई और फोई आए हैं, गीता बहन, सब शोभा बहन, सब मिलके जिन्होंने बहुत काम किया, कई लोगों का तो मुझे नाम भी नहीं पता है, तो वो आते हैं और सेवा करते हैं। तो आप सब पर भी माँ की कृपा रहे, आप सब ने मुझे सुना, जिन जिन्होंने सुना सब ने सेवा की, अच्छा दान मंदिर में लिखवाया, तो उन सब पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा हो, ऐसी परमात्मा से माँ लक्ष्मी से प्रार्थना। इस पूरी महालक्ष्मी कार्य में जिन जिन्होंने सहायता दी उन सब के ऊपर माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा हो, ऐसी महालक्ष्मी के चरणों में अभ्यर्थना प्रार्थना के साथ ये कथा प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। थोड़ी देर में मंदिर की ओर से आभार विधि होगी, आभार प्रदर्शन होगा और थैंक्सिंग वगैरह होने के बाद हम सब लोग एक बार जिस जिसको बाकी है वो पोथी पूजा कर लें, और पोथी पूजा करने के बाद एक छोटी सी शोभा यात्रा करेंगे मंदिर में, और बाद में आप सबके लिए महाप्रसाद तैयार है। तो आइए जय जयकार के साथ में इस कथा को महालक्ष्मी के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए अष्ट महालक्ष्मी मात की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर। ये कथा यहीं पर परमात्मा के चरणों में समर्पित होती है। आइए आगे की विधि हमारे